हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मुझे मिला है एक मिस्ट्री बॉक्स जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये मिस्ट्री बॉक्स मुझे सेंड किया हॉबी क्राफ्ट इंडिया ने एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। सो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि इसके अंदर 8 सप्लाइज हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ओपन दिस। हियर इज माय नाइफ, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। Okay, so let's unbox it. Wow. तो मैं एक एक करके सारे चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहला आइटम जो उन्होंने मुझे भेजा है वो है कोई वाटर कलर्स। सो इसमें 24 कलर्स हैं एंड वाटर कलर पेन ब्रश है एंड इसकी कॉस्ट है 1800। कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं है कैसा कॉस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। सो बॉक्स तो काफ़ी स्टाइलिश एंड स्लीकी सा है एंड इसमें एक हुक भी है इसे होल्ड करने के लिए। सो इसे ओपन करते हैं। सो सबसे पहले इसमें है एक वाटर कलर पैलेट जिसमें हम अपने कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। सो इसे मैं साइड में रख देता हूँ एंड लुक एट द क्वालिटी, तो काफ़ी एलिगेंट सा इसका डिज़ाइन है। सो डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी परफेक्ट है, बट कलर्स अभी मैंने ट्राई नहीं किए हैं तो मुझे पता नहीं है कलर्स कैसे हैं, बट मैंने जल्दी ही ट्राई करूँगा। मैंने काफ़ी टाइम से वाटर कलर से कोई वर्क भी नहीं किया है, तो शायद लास्ट बार मैंने इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे एक पेंटिंग बनाई थी वाटर कलर्स से। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन कलर्स का यूज करने के लिए एंड इसमें एक काफ़ी कूल सा वाटर कलर ब्रश भी है। सो ये इसमें फिट होगा एंड देन हम इसे यूज कर सकते हैं। सो इसका भी मैं यूज करूँगा एंड अपने ब्रशेस को सोक करने के लिए इसमें स्पॉन्ज भी हैं। सो यस, अपने प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, काफ़ी एलिगेंट सा डिज़ाइन एंड काफ़ी प्रोफेशनल क्वालिटी का लग रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दीज वाटर ग्लोव्स। सो ये ऑसम से वाटर कलर मुझे मिल तो गए हैं, बट मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं इससे क्या ड्रॉ करूँ। सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे एक पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाऊँ या लैंडस्केप पेंटिंग। सो आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि आप लोग मुझे इससे क्या बनाते हुए देखना चाहते हैं, एक पोर्ट्रेट पेंटिंग या लैंडस्केप पेंटिंग। सो जो भी मैक्सिमम कमेंट होगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। सो कमेंट जरूर करें। सो फिलहाल इसे हम रखते हैं साइड में एंड बढ़ते हैं दूसरे आइटम की तरफ। सो दूसरी चीज़ जो मुझे भेजी है वो है ये माइक्रोन पेंस। सो इसके अंदर 8 पेंस हैं एंड इसकी कॉस्ट है 760 एंड इसमें 003, 005, 1235, 8 एंड PN डिफरेंट ग्रेड्स हैं। सो माइक्रोन पेन मैंने वैसे परचेज तो किए थे पहले, बट मैंने उन्हें अभी तक आज ट्राई नहीं किया था क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था इनको ट्राई करने के लिए, बट मैं ज़रूर इन्हें जल्दी ट्राई करूँगा। एंड माइक्रोन पेन से आप काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम इनसे मंडला आर्ट बना सकते हैं या हम इनसे डूडलिंग कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से एंड इवन इनसे रियलिस्टिक आर्टवर्क्स भी बनाए जा सकते हैं। सो मैं भी इनसे कुछ ना कुछ बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगा एंड जल्दी उसे अपलोड भी करूँगा। सो मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया है, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सो ये थे माइक्रोन पेंस। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम। सो नेक्स्ट मुझे भेजा गया है ये मास्किंग टेप। सो मास्किंग टेप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ड्राइंग्स एंड इवन वाटर कलर पेंटिंग्स में। सो इससे आप अपने पेज के चारों ओर एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं जिससे काफ़ी प्रोफेशनल वर्क लगता है। सो मास्किंग टेप मैं काफ़ी यूज करता हूँ, स्पेशली जब मैं वाटर कलर के साथ वर्क करता हूँ। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड नेक्स्ट मुझे भेजा है ये सकुरा की जेली रोल वाइट जेल पेन। सो वाइट जेल पेन आपके लिए अगर आप पेंसिल ड्राइंग करते हैं या मंडला आर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इवन पेंसिल ड्राइंग में मैं इनका काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ, जैसे अगर मुझे कोई एक्सट्रीम वाइट हाइलाइट्स ड्रॉ करनी है तो उसकी उसमें मैं वाइट जेल पेन्स का ही यूज करता हूँ। सो ये इसके अंदर 3 जेल पेन्स हैं एंड इसमें इसकी कॉस्ट मेंशन नहीं है। सो ये तो थी वाइट जेल पेन। सो नाउ मुझे भेजे गए हैं स्केच पैड एंड ड्राइंग पेजेस। तो सबसे पहला जो ये है R2 का एक स्केच पैड एंड ड्राइंग पैड
एंड इसकी काफ़ी अच्छी खासियत यह है कि ये सूटेबल फॉर पेंसिल, चारकोल, इंक, मार्कर, पेस्टल, क्रेयॉन्स एंड वाटर कलर। तो ये इसमें हम सारे मीडियम्स ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं। सो ये A4 साइज का है, 26 एंड 180 GSM का है। एंड इसकी कॉस्ट है, इसकी भी कॉस्ट मेंशन नहीं है। सो इस स्केच पैड में मैं जल्दी ही ड्राइंग करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि ये स्केच पैड में कैसी ड्राइंग बनती है। सो अभी फ़िलहाल इसे साइड रखते हैं एंड देखते हैं बाकी पेजेस को। देन मुझे भेजा गया है आर्टो की तरफ से ही ये वाटर कलर पेंटिंग पेपर, जो कि A4 साइज के हैं, 10 सीट्स हैं और ये 300 GSM के हैं। सो वाटर कलर के लिए एटलीस्ट 300 GSM के पेजेस तो होने चाहिए, वरना आपकी वाटर कलर से जब हम इसमें पेंटिंग करते हैं या इसमें जब हम काफ़ी ज़्यादा वाटर अप्लाई करते हैं तो पेजेस जो हैं वो बीच में से उठ जाते हैं ऊपर को, एंड उसमें छोटे छोटे जो हैं एयर पॉकेट्स बन जाते हैं जिससे काफ़ी ख़राब हो जाते हैं वर्क। सो 300 GSM पेजेस के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। सो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है कि मुझे वाटर कलर्स पेजेस भी भेजें एंड वाटर कलर्स भी भेजें। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इन्हीं पेजेस में एक अच्छी सी वाटर कलर पेंटिंग बनाऊँगा। सो ये थे वाटर कलर पेंटिंग पेपर। सो इन्हें भी अभी साइड रखते हैं। नेक्स्ट आइटम जो उन्होंने मुझे भेजा है वो है फिर से R2 की तरफ से ही वाटर कलर पेंटिंग पेपर, एंड ये भी A4 10 सीट्स एंड 300 GSM के हैं, बट ये 100% कॉटन। एंड जो अभी इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो 100% सेल्यूलोज था। सो इसमें डिफरेंस ये है कि 100% कॉटन है, तो इसका मतलब ये एक बिल्कुल कैनवास जैसा होगा एंड क्लॉथ स्ट्रक्चर होगा, तो जल्दी ये टियर नहीं होगा, बिल्कुल फटेगा नहीं चाहे हम इसमें कितनी ही लेयर्स अप्लाई कर दें। बाकी मैं आपको कॉटन वाला एंड सेल्यूलोज वाला दोनों वाटर कलर पेजेस पे पेंटिंग करके बताऊंगा कि कौन से ज़्यादा बेटर है आपके लिए पेंटिंग करने के लिए वाटर कलर्स से। सो देखते हैं, अभी मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी यूज नहीं किए हैं 100% कॉटन वाले। सो मैं आपको जल्दी ही ट्राई करके बताऊँगा। सो फिलहाल इसे साइड रखते हैं एंड नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। सो नेक्स्ट मुझे भेजी है स्केच एंड ड्राइंग पेपर R2 की तरफ से ये भी, एंड ये है A4 साइज का, 10 सीट्स एंड 180 GSM का है। सो इसमें आप ग्रेफाइट या चारकोल या पेंसिल कलर से ट्राई कर सकते हैं आप ड्राइंग्स। सो इसमें कॉस्ट मेंशन है, सो इसमें 10 पेजेस हैं जिनकी कॉस्ट 125 रुपीज़ है। सो इन्होंने ये इसमें अच्छा किया है कि इसकी कॉस्ट इन्होंने कम रखी है, तो कोई भी जो है इसे इजीली परचेज कर सकता है क्योंकि 125 ही है इसकी कॉस्ट। तो मैं जल्दी ही इन ड्राइंग सीट्स को भी ट्राई करके आपको बताऊंगा कि ये ड्राइंग सीट्स कैसी हैं। सो दैट्स इट। सो ये सारे आइटम्स थे जो कि मुझे हॉबी क्राफ्ट इंडिया की तरफ से भेजे गए थे। सो मैं जल्दी ही आने वाली वीडियोज़ में इनमें से काफ़ी सारे आइटम्स का रिव्यू करूँगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दीज गुड आर्ट सप्लाइज। सो ये सारी आर्ट सप्लाई मुझे हॉबी क्राफ्ट इंडिया की तरफ से भेजी गई थी। सो थैंक यू सो मच हॉबी क्राफ्ट इंडिया फॉर सेंडिंग मी दीज ऑसम आर्ट सप्लाइज। सो अगर आप भी अपने लिए आर्ट सप्लाइज खरीदना चाहते हैं हॉबी क्राफ्ट इंडिया से, तो उनकी लिंक, इंस्टाग्राम लिंक एंड उनके शॉप की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप वहां से अपने लिए आर्ट सप्लाइज बाय कर सकते हैं। सो मैं भी अपनी मैक्सिमम आर्ट सप्लाइज हॉबी क्राफ्ट इंडिया से ही परचेज करता हूं, एंड आई मस्ट से उनकी डिलीवरी सर्विसेज एंड कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है एंड उनके पास काफी अच्छा कलेक्शन है आर्ट सप्लाइज का। सो यू कैन चेक दैट आउट। तो जल्द ही मैं इन वाटर कलर्स एंड वाटर कलर पेजेस का यूज करके एक ऑसम सी पेंटिंग बनाऊंगा, एंड मैं इन माइक्रोन पेन का यूज करने के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं माइक्रोन पेन से ड्राइंग करने ही वाला था, एंड इसके लिए मैंने माइक्रोन पेन ऑलरेडी खरीद भी ली थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इनसे ड्राइंग करने का। बट अब मैं ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल मैं इन माइक्रोन पेन से भी एक अच्छी सी ड्राइंग बना पाऊँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दीज थिंग्स। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेरे चैनल पर नया था को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज़।